पहले देखते हैं व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर और उसके बाद फिर आज के की अगर हम ये देखना चाहते हो कि अर्सन इज ग्रेटफुल टू सम अदर पर्सन आर नॉट तो हम इसको कैसे मयर कर सकते हैं इस सिलसिले में हमने बात की थी आई डिस्कस थ्री काइंड ऑफ

older women and those people who were donated kidney from some other person and those people who had gone through some trauma for example hurricane or earthquakes etc they were very grateful to other people for their help observe observed that you watch whether people are thankful to each other or not or as these situations maybe this ricajeh kerta किस तरह से अपने जज्बात का एहसासात का इजहार करते हैं एंड देन वी टॉक्ट अबाउट सम स्पेसिफिक मैयर्स द फर्स्ट मैयर दैट वी डिस्कस्ड इन द ग्रेटिट्यूड इन रिलेशन टू योर रिलीजियस एफिलियस तो जितनी ज्यादा आप प्रेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं जितने ज्यादा आप रिलीजियस होते हैं उतने ज्यादा ही ये देखा गया कि यू आर मोर ग्रेटफुल टू अदर पीपल लेकिन इसके अलावा कुछ और मयर्स भी हैं जो कि जनरल मयर्स हैं

डिस्कस करते हुए बताया था कि ये आइटम्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह के आइटम्स जो हैं इस तरह के टेस्ट में क्वेश्चन में बनाए जाते हैं किस तरह से आइटम्स डेवेलप किए जाते हैं एंड देन वी आल्सो टॉक्ट अबाउट बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बिहेवियर यानी कि कोई फिजिकल भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वेन यू आर इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड वेदर योर बॉडी केमिस्ट्री इज डिफरेंट स्टेट ऑफ योर ब्रेन इज डिफरेंट और अगर हम कंपेयर करते हैं पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड और उसके बरक्स कोई शख्स जो है वो ग्रेटिट्यूड की हालत में नहीं है तो उनमें क्या फर्क होगा एंड द फाइंडिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दैट वेन द पर्सन इज हैविंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड सम लगता है कि उसने उसके साथ मेहरबानी की है टू देन देर इज आर कंसिस्टेंसी बिटवीन ब्रेन वेवस और जो हार्ट बीट्स होती हैं उनके दरम्यान कंसिस्टेंसी होती है दे आर बोथ इन अ रिदमिक स्टेट और यह भी देखा गया है कि पीपल आर आर फ्रस्ट्रेटेड देन देयर हार्ट बीट्स और उनमें कोई सिस्टम इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता उसके बरक्स वेन पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड देन देयर हार्ट इज रिलैक्सड काम और दैट वॉज शोन इन अ ग्राफ आपको याद होगा मैंने एक आपको उसका ग्राफिकल पैटर्न दिखाया था और इसको एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया था मैक्रेटे ने द ग्रेटफुल हार्ट तो देखिए कि हमारा जिस्म कैसे हमारे जहन के साथ साथ हमारे कॉगनीशंस के साथ साथ चलता है एंड इफ वी आर एंड पर्टिकुलरली इफ आर ब्रेन एंड हार्ट आर इन अ डिफरेंट स्टेट वेन वी आर एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड अ पर्सन तो फिर देखिए कि उसके कितने ज्यादा फवायद भी इंसान को हासिल हो सकते हैं एंड दैट इज हाउ वी डिस्कस डिफरेंट आउटकम्स और बेनिफिट्स और उस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि ये देखा गया है कि दोज पीपल हु हैव हायर स्कोर ऑन ग्रेटिट्यूड क्वेस्टन सिक्स सिक्स मुराद है उसके सिक्स आइटम्स हैं दे आर मोर एम्पैथिक दे थिंक आल्टुरस्टिकली दे लाइक टू वर्क फॉर अदर पीपल एंड दे केयर लेस अबाउट मेटीरियल गुड्स उसकी बजाय वो लोगों के जज्बात का ज्यादा ख्याल करते हैं एंड दे आर लेस कंसर्न एंड फोकस्ड ऑन देम सेल्व उसके अलावा ये भी देखा गया था कि ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ में एंड द फाइनल पॉइंट वॉज हाउ वी कैन कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड और इस सिलसिले मैंने आपसे कहा था कि आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं

आप रात को सोते हुए भी सोच सकते हैं कि मैं लिखूं आज मेरे साथ किसी ने क्या किया कौन सी भलाई की मैंने उसके जवाब में क्या किया और क्या मैंने आज किसी को हर्ट तो नहीं किया तो इस तरह की जब हम एहसास अपने जज्बात को हम राइट डाउन करते हैं तो उसका यह फायदा होता है कि वो हमें फिर याद रहती हैं वरना तो हम जिंदगी की बाग दौड़ में सब कुछ भूल जाते हैं और हम एक दफा तहिया भी कर लें कि भाई मैंने लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना है उनका शुक्रिया अदा करना है उनका थैंकफुल होना है तो हम भूल जाते हैं क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत से काम होते हैं इसलिए अगर आप जर्नल बना लेते हैं आज के टॉपिक की तरफ आते हैं टूडेज टॉपिक इज फॉर गिवनेस अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्योंकि जिस तरह से ये कहा जाता है कि शुक्रिया अदा आप जिसका करते हैं वो तो खुश होता ही है शुक्रिया अदा करने वाले को बड़ा फायदा होता है इसी तरह से जिसको माफ किया जाता है मुझे लगता है उसका तो शायद इतना फायदा ना हो जो माफ कर देता है उसकी जहनी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है लेट स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फॉर है क्या फॉर पहले ये देखते हैं The first definition has been provided by Laura Thompson and colleagues in 2005. They maintained that forgiveness is a freeing from a negative attachment to the source that has transgressed against a person. Now, there are two things important in this definition. One thing is that you are negatively attached to a person. We think that we are attached to a person.

बनिसबत उस शख्स के जिसने आप पर एहसान किया होता है क्योंकि आपको बार बार गुस्सा आता है और जिस दिन कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो आप गौर कीजिएगा सारे दिन में रात तक आप कितनी दफा उसके बारे में सोच लेते हैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते बार बार ख्याल आता है इसने मेरे साथ क्या किया इसने तो हद कर दी मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला मैंने इसके साथ कभी कलाम नहीं करना लॉर्ड्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंटर इंटू यूर माइंड किसी पर आप अमल करते हैं किसी पर नहीं करते हैजन टू यू सो ट्रांसग्रेसर कौन होता है who is misbehaving, तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो सेकेंड थिंग इज द पर्सन हु हैजन समथिंग रॉन्ग टू यू यू आर नेगेटिवली अटैच विद डैट वो आपका पीछा नहीं छोड़ता और यही प्रॉब्लम है

ट्रांसक्रेसर कैन बी वन सेल्फ मुझे अपने से बड़ी नाराजगी है क्योंकि मैंने ने आपको डिसीच करनी थी स्टेज पर मैं गई मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं सकी और मैं सोचती हूँ एक और डेफिनेशन की बात करते हैं अगेन आई एम श्योइंग यू दिस लाइट दिस डेफिनेशन वॉज

तो आप कहते हैं कि भाई अब आप रंजिश दूर कर दें माफ कर दें एक दूसरे को और एक शख्स ने मुंह बनाया होता है वो कहता है मैंने कर दिया माफ लेकिन वो माफ नहीं किया होता पता चल रहा होता है so, दूसरी बात ये है कि आप उसकी तरफ पॉजिटिवली भी फील करने लग पड़े क्योंकि जिनके साथ हम नाराज नहीं होते आमतौर पर positive And one thing is also important regarding this definition that transgressor cannot be different situations, oneself, it is between people. One person is angry on another person, so it is different from the previous definition. Now, I will be describing a few more definitions. One definition has been described by Enright and colleagues, and that was. Described in 1998. does this ye definition? Ye hain. A willingness to abandon one's right to resentment, negative judgment, and indifference toward one who unjustly hurt us while fostering the undeserved qualities of compassion, generosity, and love toward one. This be two things, and that is similar to the previous definition. एक चीज क्लियर है इस डेफिनेशन में कि दैट इज अगेन बिटवीन पीपल एंड राइट बिलीव दैट यू कैन बी एंगी एंड यू कैन फॉरगिव अ सिचुएशन आप एक टोर्नेडो को कैसे माफ कर दें उसने आपका नुकसान कर लिया बिकॉज द कंडीशन इज दैट यू आर एंटरिंग दैट थिंग इनटू टू द कम्युनिटी द लविंग कम्युनिटी दैट यू आर हैविंग इन यूर माइंड तो आप कैसे टोर्नेडो को उस लविंग कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे अगर उसने आपका घर तबाह कर दिया आप कैसे हरी कैन को इन्वॉल्व कर लेंगे आप कैसे अर्थकोक को इन्वॉल्व कर लेंगे सो दे ऑल्सो हु हैज हर्ट यू एंड यू आर एंग्री टू वर्ड दैट पर्सन एंड नाउ देर आर टू थिंग्स इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने कहा था कि पिछली डेफिनेशन से मिलती जुलती है कि एक बात तो ये है कि दैट पर्सन नाउ डजेंट डिजर्व योर कंपैशन एंड जेनरॉसिटी क्योंकि उसने आपको नुकसान पहुंचाया है स्टिल दैट पर्सन इज अनडिजर्वड बट यू आर बींग जेनरस बींग काइंड टू दैट पर्सन इसी का नाम फॉरगिवनेस है और दूसरी बात यह है कि यू अबंडन योर राइट टू गेट एंग्री ऑन दैट पर्सन क्योंकि हर शख्स का राइट right तो है ये एक और बात है कि हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए आइडली नहीं करना चाहिए लेकिन एवरी पर्सन हैज अ राइट कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया वाई आई शेल नॉट बी एंकड़ी ऑन हिम आई हैव हैव ग्रेट अगेंस्ट दैट 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 पर्सन सो यू यू राइट राइट बट आर ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंडली यू आर बींग जनरस काइंड एंड यू आर डेवेलपिंग अ कंपैशन फॉर दैट पर्सन तो एक चीज मुझे समझ आती है कि यह है बड़ा मुश्किल अब सोचिए कि मुझे तो यही लग रहा है अगर मैं अपना तजिया करूं तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मेरी जिंदगी में आई जब लोगों ने कहा माफ कर दो तो मैंने कहा कि हाँ मैंने माफ कर दिया है अगर मैं ये देखू तो मैंने माफ नहीं किया बिकॉज आई डिड नॉट डेवेलप कम्पैशन एंड काइंडनेस एंड लव फॉर दैट पर्सन मैंने सिर्फ ये सोचा अच्छा चलो खत्म करो इस बात को भूल जाने की कोशिश करती हूँ तो सही फॉर जो है वो ये नहीं है आगे चल के देखते हैं और हमें क्या पता चलता है फॉरगिवनेस के बारे में इस्लामिक परस्पेक्टिव लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है फॉरगिवनेस के बारे में एक कुरान की आयत है अल कुरान डिस्क्राइब्स द बिलीवर्स बिलीवर्स कौन जो खुदा परिमान रखते हैं मुस्लिम एज दोड मेजर सिंस एंड एक्ट ऑफ इनडिस एंड वेन दे आर एंग्री दे तो मुसलमानों से क्या तो की जाती है कि जब गुस्से में हो तो माफ करते और कहते हैं कि गुस्सा जो है वो तो एक जहाद है उसके खिलाफ लड़ना आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो एक दुश्मन को मार दिया और आप ये देखिए कि हजरत मोहम्मद रहमत आलमीन के नाम से पहचानने जाते हैं और रहमत का मतलब ये नहीं है कि रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए सारी दुनिया के लिए सारे आलम के लिए आपने बहुत सारे वाक्यात पढ़े होंगे अपनी इस्लामिक स्टडीज की बुक्स में कि हजूर पर क्या क्या ढाए उनके दुश्मनों ने कुछ मुझे भी वाक्यात याद आ रहे हैं जैसे कि वो इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए ताइफ के दौरे पर गए तो वहा पर लोगों ने उन पर पत्थर फेंके वो जख्मी हो गए बड़े ह्यूमिलिएटेड वोटेड हालत में वो वापस आए एक दरख्त के नीचे बैठे परेशान थे तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि अब इनको अल्लाह के हुक्म से तबाह कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया है तो हजूर ने क्या कहा अब देखिए इतने जुल्म के जवाब में हजूर ने कहा कि दीज पीपल आर इग्नोरेंट नॉट नो वट दे आर खुदा से दुआ की कि इनको माफ कर दिया जाए इसके बरक्स हमारे लड़ाई झगड़े जो हैं लोगों के साथ वो तो मामूली किस्म के होते हैं ऐसे ही ताल्लुकात में रंजिशें हो जाती हैं थोड़ी सी बाजू का तो मैंने देखा है इट्स जस्ट मिसकम्युनिकेशन बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं होता अगर गौर किया जाए ज्यादातर लड़ाइयां एज अ साइकोलॉजिस्ट आई थिंक आर बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन दोनों लोग एक दूसरे का हार नहीं चाह रहे होते बात समझ नहीं आती एक दूसरे की एक दूसरे को अपनी बात सही तरह से समझा नहीं पाते एंड देट इज वाई गेट एंग्री तो कहा यह हालत के कोई इतना नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसको माफ कर रहे हैं तो इस्लाम में फॉरगिवनेस दो तरह की है फ्रॉम अल्लाह से तो आसानी से मिल जाती है माफी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बंदा जरूर आपको माफ कर दे वरना अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा जिसको आपने नुकसान पहुंचाया है उससे माफी जिंदगी में ही मांग ली जाए तो बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वो उस बंदे पे छोड़ा है जिसके साथ आपने कुछ किया वही माफ करे तो करे तो लोगों के बहुत हकूक होते हैं एक दूसरे पर और मैं अगेन एक मिसाल देती हूँ लेट अशफाक साहब की वो हमेशा ये कहा करते थे कि हम लोग बड़े अच्छे हैं अल्लाह की इबादत में हमारी मस्जिदें लोगों से भरी पड़ी हैं हम सारे के सारे रोजा रखने में बहुत तागे हैं रोजा रखते हैं कुरान पढ़ते हैं मामलात में हम खराब हैं ये वो मामला हैं जिनकी माफी जो है वो अगर उससे कोताही हो जाए उसमें तो वो लोगों से ही मांगनी पड़ती है उसकी कहते हैं अल्लाह माफी नहीं देता 99 नेम्स हैं खुदा के आपको पता है उनमें से याद कीजिए मैं भी याद करने की कोशिश करती हूँ कितने हैं जो खुदा की इस सिफ को बयान करते हैं रहम करने की सिफ को अर्रहमान अर्रहीम अलगफार अलफो तौबा कबूल करने वाला माफ करने वाला एक ही बात है तो ये देखिए कि ये कितनी बड़ी सिफ है अल्लाह की तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है आई अंडरस्टैंड मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है लोगों को माफ करना लेकिन वाई इट हैज बिन स्ट्रेस्ट सो मच इन इन इस्लाम देर मस्ट बी सम लॉजिक और लॉजिक यही है कि वो बंदा जो माफ़ कर देता है उसकी जहनी और जिसमानी सेहत भी सही रहती है और वो एक अच्छा इंसान बनने के लायक होता है वैसे तो सिर्फ इस्लाम में नहीं इट इज अ ग्रेट वर्च्यू इन ऑल कल्चर एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नियरली ऑल साइको थे क्योंकि अगर आप किसी को माफ नहीं करते जिसने आपको नुकसान पहुंचाया होता है तो वट है

फॉर गिवनेस रिप्रेजेंट असट है और कैसे फॉर गिवनेस सोशल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है अगर आप किसी शख्स से नाराज होते हैं उसके किसी बुरे फेल की वजह से किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया एंड यू आर वेरी एंग्री टू वर्ड दैट पर्सन देन वट है एक्ट इन एंग्री वे टू वर्ड दैट पर्सन दैट पर्सन यू अगेन डेड समथिंग टू हर्ड दैट पर्सन देन ये ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है एक शख्स नुकसान पहुंचाता है दूसरा उसका जवाब रिटेलिएट करके देता है और उसके जवाब में फिर दूसरा भी कम नहीं होता वो फिर अगेन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उससे फिर ये जो है लाइफ का स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर खराब होता है और क्या होता है इफ यू आर एंग्री टू वर्ड यू डेवेलप हॉस्टाइल फीलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और अगर आप माफ कर देंगे तो वो हॉस्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप माफ कर देते हैं तो वो लोग जो ऑब्जर्वेंट हैं आपकी फॉरगिवनेस के ऑल दो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे इन दैट कंफ्रंटेशन वो किसी तरीके से इन्वॉल्व uh, नहीं है उस कन्फ्रंटेशन में लेकिन स्टिल दे आर सींग गुड मॉडल्स हु फॉर फॉरगिवनेस तो देखिए कि इससे सोसाइटी जो है उसमें पूरे में भलाई कैसे फैलती है हॉस्टिलिटी कम होती है लोगों के दरमियान और जब लोग दूसरों को ऐसा एक्ट करते हुए देखते हैं तो दे बिकम प्रो सोशल एंड दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्ट एक बात तो ये हो गई

What is damaged the greatly damaged aspect of a personality is self Your self jo hai, wo damage would destroyed. or that is why it is adaptive that we try to protect and we struggle to protect ourself or apni self could protect karna Jo hai, wo adaptive hai. this is more getting like adjusting into your life. that is why we can say that forgiving is basically. इवोल्यूशनरी और उसके इसी तरह के एडवांटेजेस भी हैं कि उससे आप लाइफ में ज्यादा एडजस्टेड हो जाते हैं एक और सवाल उभरता है इसी से रिलेटेड है इफ देर इज सम्यूशनरी ऑफ फ़ॉरगिवनेस, तो क्या इसकी कोई न्यूरोबायोलॉजिकल भी कॉज है क्या इसका हमारी जिसम के साथ हमारे ब्रेन के साथ भी कोई ताल्लुक है ये बात डिस्कस करते हैं आप डिस्कस इज द न्यूरो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर गिवनेस बेसिकली सेंस ऑफ सेल्फ इज लोकेटेड इन द फ्रंटल फेराइटल एंड टेम्पोरल एज वेल एज इनपो कैंपस ऑफ ब्रेन कुछ और लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लोकेशन कौन कौन सी हैं ब्रेन की लोब्स की दिस इज फ्रंटल लो दिस इज फेराइटल लोब और यहां पर कंपटियों के करीब टेम्पोरल लोब होती है पेराइटल उसके जरा पीछे होती है सो दीज लोब्स आर इन्वॉल्व बेसिकली इन फॉर गिवनेस इन दैट सेंस दैट दे आर इंपॉर्टेंट इन सेंसरी इनपुट बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है इनके थ्रू आती है एंड दे आर मीडिए मैं अगली स्लाइड में बात करूंगी लेकिन इस स्लाइड में मैंने आपको ये पोजिशन दिखा रही हूं कि फ्रंटल लोब की लोकेशन कहा है टेम्पोरल की और पेराइटल की कहा है और ऑक्सीपिटल पीछे होती है जो बेसिकली विजन के लिए होती है तो बेसिकली रिकंसिलियेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ ऑल थ्री लोब्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया था तो रिकंसिलियट जब आप करते हैं किसी के साथ दैट इनवॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ पेराइटल फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स एक चीज जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी वो ये थी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंगर हर्ट सेल्फ इज डैमेज मोस्ट अब ये जो सेल्फ है जब डैमेज होती है तो उस सिलसिले में मैंने ये बात की देर आर थ्री एरिया हैं फेराइटल लोब फ्रंटल लोब टेम्पोरल जिनसे सेंसरी इनपुट आती है अब उसको इमीडिएट कौन सा सिस्टम करता है दैट इज अनादर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन दोबारा एक स्लाइड दिखाती हूँ सो इंजरी टू द सेल्फ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन वन गेट्स एंग्री ऑन अनादर पर्सन इज एक्चुअली रजिस्टर्ड बाय असरी मोटर इनपुट

ब्रेन के बाकी हिस्सों की तरफ भेजता है रिले करता है वो उसके थोड़ा सा नीचे वाकई है लिम्बिक सिस्टम इज नोन एज द द सीट ऑफ सोल बिकॉज ऑल इमोशंस एंड आर गिवन वैल्यू थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ लिम्बिक सिस्टम और ये भी कहा जाता है कि ये सीट ऑफ द सोल इसलिए है कि हम स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है ये भी हम अपने एक्सपीरियंसिस की मदद से लिम्बिक सिस्टम कि मीडिएशन की मदद से हम अपने एक्सपीरियंस को करते हैं वेदर दे आर स्पिरिचुअल नॉट अब ये तो बात हो रही थी कि वट आर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरगिवनेस और कौन कौन से हिस्से जो है, वो हैं वो इन्वॉल्व हैं फॉरगिवनेस में इन दैट सेंस दैट यू आर रजिस्टरिंग ऑल ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स और उसके बाद दे आर मीडिएटेड डिफरेंट अदर ऑफ ब्रेन फॉर मीडिए लिम्बिक सिस्टम हाइपोथेलमस और ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद काम करता है अब एक और बात ये करते हैं कि हाउ वी कैन मयर फॉर गिवनेस आपको याद है डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने स्टडी किए हैं पिछली दफा जैसे ग्रेटिट्यूड पढ़ा था तो उसमें भी ये देखा कि ग्रेटिट्यूट को कैसे मयर कर सकते हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न that how we can measure forgiveness, whether that person who is a participant in a research or experiment, mein wo le raha hai, that is a forgiving person, ya, phir wo hai, ko, aur How we can measure this? One scale was constructed by Thompson and colleagues in 2005, and it is Heartland Forgiveness Scale. This has 18 items and that measures your responses on different items on 1 to 7 point Likert scale. It has 18 items as I stated before and these items measure your forgiveness about self, another person and situation. जैसे लॉरा थॉम्पसन ने ये कहा था कि फॉरगिवनेस किसी के लिए भी हो सकती है तो ये स्केल जो है वो भी किसी भी पहलू को मायर करती है सो देर आर सिक्स आइटम्स फॉर मयरिंग ईच ऑफ दीज डायमेंशन कौन कौन सी डायमेंशन मैंने बताई फॉर गिविंग वन सेल्फ एन अदर पर्सन एंड फॉर गिविंग सिचुएशन इट हैज बीन सीन दैट पीपल हु स्कोर हाई ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल They are less depressed, they are more pro social with other people, and they get along very well with other people. So you have seen sis ki jo hai relationship nikalti positive behavior and or negative behavior kesat. A core scale scale. That scale was developed by McLaw and colleagues in 1998. This scale has 12 items and

जहां वो जाता है कोशिश करते हैं उसको अवॉइड कर लें उससे बात ना करें उसका सामना ना ही हो तो अच्छा है और कोई मौका मिले तो उसको नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते और उसके बारे में सोचते भी नहीं है और अगर सोचे तो अपने आप को मना कर देते हैं एंड देन यू स्टॉप अवॉइडिंग दैट पर्सन क्योंकि इफ यू आर कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग दैट पर्सन इट मीन्स You haven't forgiven that person. Aur uski 12 items jo hain, wo ye dono dimensions. Now I will be discussing two scales that were developed by Enright. You will definition about Enright. When we discussed So then we found out that Enright doesn't believe that we could forgive a situation. So that will be for a person. तो अब ये स्केल्स कौन सी हैं वो देखते हैं द फर्स्ट स्केल इज एंड राइट दैट इज अबाउट सम रिसेंट इंटरपर्सनल ट्रांसग्रेशन लोगों के साथ ताल्लुकात में अभी कोई रिसेंट वाक हुआ हो आप नाराज हो यू आर एंग्री फॉर सम बहुत गुस्सा है आपको तो अब आप उसको माफ कर सकते हैं कर चुके हैं या नहीं एंड दैट इज मै आइटम्स तो ये काफी ज्यादा आइटम से असेस किया जाता है वेदर यू आर इन अ फॉर गिविंग मोड और नॉट एक और स्केल है जो एंडराइट ने ही डेवेलप की है उसके बारे में बात करते हैं डेट स्केल इज विलिंगनेस टू फॉर गिवनेस स्केल और बेसिकली इट हैज सिक्सटीन आइटम्स एंड इट मेयर्स फॉर गिवनेस एज अ कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनी लाइफ में कैरी ऑन कैसे करना है अपनी लाइफ में फॉर नहीं करेंगे तो कोप कैसे करेंगे तो बेसिकली इट मेयर्स दैट इफ यू आर कोपिंग विद लाइफ प्रॉब्लम देन वन डायमेंशन इज फॉर आप किसी को माफ कर देंगे देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू कोप विद द स्ट्रेसिस ऑफ योर लाइफ क्योंकि एक स्ट्रेस लाइफ में यह भी होती है किसने हमें नुकसान पहुंचाया है हम उसके जवाब में कुछ भी नहीं कर सके मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी तो अब मुझे और ज्यादा गुस्सा है हाँ अगर मैं कुछ बिगाड़ लूंगी तो शायद मेरा गुस्सा कुछ, so, कुछ कम हो जाए सो दिस वॉज अ डिस्कशन अबाउट हाउ वी कैन माइर फॉर गिवनेस और उसमें की स्के जिसमें कुछ कम आइटम्स भी हैं कुछ ज्यादा आइटम्स भी हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं आपके पास कितना टाइम है कितने पार्टिसिपेंट हैं तो फिर आप कम या ज्यादा आइटम्स वाली स्केल्स उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे जहन में उभरता है कि ये तो हमने जान लिया मुख्तलिफ मज़ाहब में फ़ॉरगिवनेस की बड़ी इम्पोर्टेंस है दैट पर्सन हु फॉर गिव रिमेंस रिमेन्स हेल्दी फिजिकली मेंटली दैट पर्सन इज मोर कॉन्टेंटेड मोर पीसफुल लेकिन हाउ टू कल्टीवेट फॉर गिवनस ये भी तो जानना चाहिए कि फॉरगिवनेस कैसे लोगों में पैदा की जाए टू लेट सी दैटे हम कल्टिवेट कर सकते हैं इस वर्चू को लोगों में एज फॉर एज कलेशन फॉर गिवनेस इज कंसर्न द फर्स्ट इज फॉर गिविंग मैंने तीन एस्पेक्ट फॉर गिवनेस के बयान किए थे हाउ टू फॉर गिव सेल्फ हाउ टू फॉर गिव अरसन एंड हाउ टू फॉर गेट एंड फॉर गिव अस्टरियो इज हाउ टू

वाई वी वुड है डिस्टोर्टेड पिक्चर ऑफ द सिचुएशन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेन वी आर एंग्री एंड वी आर क्रॉस विद अ पर्सन तो अमूमन हम सिचुएशन को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं उस शख्स का मकसद शायद आपको इतना हार्म पहुंचाना ना हो शायद आपको हर्ट करना उसका मकसद ना हो लेकिन हमें बाजूकातरेट हम कर लेते हैं दैट इज वाई वी डू नॉट बिकॉज़ हमें अपने मफादा ज्यादा अजीज होते हैं ना दूसरे के नस्बत इसलिए हो सकता है कि हम उसको सही सूरत हाल को सही तरह से उसका अदराक उसकी परसेप्शन ना कर सकें डिस्टॉटेड पिक्चर ऑफ दिचुएशन तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है उसको कैसे मॉडिफाई करना है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मॉडल जो था

क्या करना चाहिए बाजुकात होता है सिचुएशन को सही तरह से हमने जायजा नहीं लिया होता तो गॉर्डन एंड स्टेट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ट्राई टू मॉडिफाई योर ऑफ़ द सिचुएशन। दूसरी बात यह है टू फेसिलिटेट रिलीज़ किस चीज से है एक्चुअली वी हैव समूमिनेटिंग सम बॉन्ड विद एंगर हर्ट फ्रस्ट्रेशन ज बाई दिसबि पर्सन मैरिटल पार्टनर तो हम उसके साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं उस फीलिंग के साथ बार बार वो नेगेटिव ख्याल आता है तो आपने उससे अपने आप को रिलीज करना है उस नेगेटिविटी से तीसरी बात क्या है लेनिंग द डिजायर टू पनिश ख्वाहिश यही होती है इसने मुझे हर्ट किया अब मैं भी इसको नुकसान पहुंचाऊंगा So basically, the couple goes through different stages, understanding the meaning of that trauma, and then understanding the impact of the trauma, and then going to the control of that trauma. Impact kya hai trauma ka? You are angry, you are frustrated, you are hurt, and then try to understand the meaning of the situation. किस शख्स ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो हमेशा से ऐसा था? क्या इसमें और कोई अच्छी आदत नहीं है? क्या उसने किसी और मौके पर या मुख्तलिब मवाके पर आपके साथ कोई अच्छाई नहीं की? क्या उसकी सिर्फ यही बुराई थी और बाकी सारे काम अच्छे थे? So you try to understand and get some meaning and maybe that person was frustrated, maybe it was your behaviour which compelled that person to behave in a wrong way. और उसके बाद फिर आप अपनी उस डिजायर को कंट्रोल करते हैं कि आप उसको रिटेलिएट करें जवाबन आप भी उसको हर्ट करें आर डिफरेंट कॉगनेटिव एंड एफेक्टिव अप्रोच इन दैट वे फॉर कैन ऑल्सो बी कल्टीवेटेड लेट सी दैट इन बेसिकली दैट रिक्वायर्स टू रेक्टिफाई incongruency once injury is realized once you realize that injury has done then you try to consider the inconsistencies between the situation or there are many possible approaches specific to each individual and one of them or two of them or more than two can be adopted which could be very suitable for that particular person द फर्स्ट अप्रोच इस स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच स्पिरिचुअल अप्रोच क्या है कि माफ करने की सलाहियत तो या ये कह लें कि माफ करना तो सिर्फ अल्लाह का ही खासा है बंदा तो इस लाइक ही नहीं तो किसी को माफ कर सके क्यों क्योंकि हम खुद गलतियों के पुतले होते हैं और दूसरी बात ये है एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ये भी हो सकती है कि खुदा इतना रहीम है रहम करने वाला है तो हम क्यों किसी शख्स को माफ नहीं कर सकते क्योंकि तो बहुत ही हकीर है ठीक एक ये अप्रोच हो गई और अगर कोई आपका क्लाइंट इफ यू आर अ काउंसलर, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट रिलीजियस है स्पिरिचुअलिस्टिक है तो फिर दिस अप्रोच इज बेटर बिकॉज दैट विल वर्क इन एन इफेक्टिव वे वट कुड बी द सेकेंड अप्रोच दैट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये है कि ऑल पीपल आर पार्ट है एवरी वन इज रिलेटेडर तो रिलेटेड के नतीजे में हम किसी को माफ क्या नहीं कर सकते एक और डायमेंशन क्या है दैट इज रेशनलिस्टिक अप्रोच यू बिकम रेशनल रैशनल इमोटिव थेरेपी के बारे में सुना होगा रेशनल इमोटिव थेरेपी ये कहती है कि बाजूकात हमारे बड़े ही ऐसे बिलीव होते हैं जो रैशनल नहीं होते जैसे कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एवरीबॉडी शुड लव मी ये तो पॉसिबल नहीं होता जिंदगी में नो वन शुड बी अगेंस्ट मी क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से अच्छे से इंसान को देख लें कोई ना कोई उसकी बुराई जरूर करेगा तो जो रैशनलिस्टिक अप्रोच है वो ये है कि वी आर ह्यूमन बींग्स वी कमिट मिस्टेक्स सो दैट पर्सन ज अ ट्रांसक्रेसर टूवर्ड मीज ऑल्सो ह्यूमन बींग उससे गलती हो गई उसको माफ कर दे अगर वो ये कहता है कि वो दोबारा यह नहीं करेगा यह भी इम्पोर्टेंट है एक शख्स दोबारा दोबारा वो गलतियां करता जाए फिर मुश्किल होता है माफ करना और कौन सी कॉगनेटिव अप्रोच हो सकती है एम्पैथिक अप्रोच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू आर ऑन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन वुड यू ऑल्सो बी डूंग अगर आप उसकी जगह पे होते और सिचुएशन ऐसी होती हो सकता है वो सिचुएशन उस शख्स को बहुत हर्ट कर रही हो जिसकी वजह से उसने वो बुरा काम किया हो सकता है आपने उसको तंग किया हो, हो सकता है कि उसके आजकल इस तरह के सरकम हो, कि वो शख्स बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो बेसिकली उसने आपको तंग नहीं किया बेसिकली वो अपने आप से तंग आया हुआ है इसलिए वो एक के साथ बुरा बिहेव कर रहा है सो so, Try to be empathic, try to perceive yourself on that person's place and then think what you will be doing. A core approach, hai. apologetic approach. Aap us se maafi mang le. You apologize, you say, I'm really sorry that I have done this harm to you. I did not want to do that. आप मुझे प्लीज एक्सक्यूज कर दें माफ कर दें आई एम सॉरी वट एवर कुछ भी कह दें तो उस शख्स का दिल हल्का हो जाएगा अब हम डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं फॉरगिवनेस एक और मॉडल की बात करते हैं दैट मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाई एवरेट वर्थिंगटन इन 1998 और इसका एक्रोनिम है रीच अप्रोच

रिकॉलिंग द ट्रामा आप ट्रामा को रिकॉल करें एक्चुअली वॉट है क्यों आप हर्ट हुए उस शख्स ने क्या किया था अब ये क्यों जरूरी है ड्रामा बिकॉज इन दैट वे यू विल बी एबल टू गिव समू दैट सिचुएशन आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको याद कर सकेंगे क्या था कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमे इस शख्स ने मुझे हर्ट किया वॉट इज द सेकेंड स्टेज जो इस दफा उस शख्स ने किया कपल में से जिसने हर्ट किया है या वो नहीं करेंगे हो सकता है उनको लगे की अगर मैं इसकी जगह पे हूं मैंने भी ऐसे ही करना था और अगर ये नहीं भी सोचते फिर भी अंडरस्टेंडिंग इच अदर इज इंपॉर्टेंट एक और बात तीसरी स्टेज आल्ट्रस्टिकली फाइंडिंग अग दैट सो आल्टर कैसे हो सकते हैं यू बिकम आल्टरिस्टिक और जस्ट प्रैक्टिस इट एज अ गिफ्ट ऑफ फॉर गिवनेस प्रो सोशल बिहेवियर हमारा क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि लोगों की तरफ हमें अच्छा रहना है सो टेक इट एज अ गिफ्ट ऑफ फॉर गिवनेस टर्ड योर पार्टनर चौथी स्टेज क्या है कुमिट कुमिट वर्बली आप ये ना कहें अच्छा मैंने कर दिया है माफ यू कमिट कि आपने इसको माफ किया है यू विल कंटिन्यू ऑन दैट फॉर गिविंग बिहेवियर यू विल शो दैट इन योर डीलिंग्स और आपके बिहेवियर से उसको पता चलेगा आपने उसको माफ कर दिया है आप एक कमिटमेंट दिखाएं उस फॉर गिवनेस के लिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बहुत आसानी से कहते हैं भाई कर दिया है, माफ कह दिया है ना तुम्हें मैंने माफ कर दिया है लेकिन माफ किया नहीं होता क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पर गौर करें फॉरगिवनेस की तो डेफिनेशन तो फॉरगिवनेस से बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं एंड वी आर यूजली नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर गिविंग एक्ट या बिहेवियर पांचवी स्टेज क्या है होल्ड होल्ड ऑन टू फॉर फिर उस पर कायम रहें और कोशिश करें यू एक्ट पॉजिटिवली टूवर्ड दैट पर्सन डू नोट ट्राई टू टेक रिवेंज और सार्केस्टिक कॉमेंट्स न दे ये बहुत होता है कि हम माफ कर देते हैं उस वक्त कहते हैं अच्छा हम भूल जाएंगे बार बार कोई गुस्सा आ जाता है फिर अच्छा तुमने उस वक्त ये किया था सभी करते हैं ये वी बिकम वेरी आयरॉनिक सार्केस्टिक वेन वी आर थॉकिंग टू दैट पर्सन नॉट ऑलवेज बट ओकेजनली उससे फिर वो दूसरा शख्स भी भड़क उठता है मैंने माफी मांगी उसके बावजूद मुझे ताने मिल रहे हैं और फिर वो वही विषय साइकिल स्टार्ट हो जाता है वो गुस्से से कुछ कहता है वो कहता है अच्छा ना करो तुम माफ मुझे नहीं परवाह तो देखिए एक अच्छा खासा स्मूथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ अब वो कहता है मुझे इस चीज की परवाह ही नहीं है और पहले दैट पर्सन मे बी एट दैट टाइम एट द इनिशियल स्टेज दैट पर्सन वॉज गिल्टी अब वो शख्स पहले तो गिल्टी था कि भाई मैंने इसके साथ बुरा कोई काम किया और इसको हर्ट किया और अब आपने जब ये कह दिया दोबारा ताना मार दिया तो वो कहता है कि अच्छा मुझे कोई परवाह नहीं है भाई आपके गुस्से की ना करें माफ तो अब देखिए कितना अच्छा कोई रिलेशनशिप चल रहा हो तो उसमें और ज्यादा खराबी जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अब ये देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे माफ कर सकते हैं क्योंकि तो आपको याद है कि मैंने ये कहा था कि देर कुड बी थ्री काइंड ऑफ फॉर गिवनेस तो हमने एक डिस्कस कर ली है हा टू कल्टीवेट फॉर लेट्स टॉक अबाउट फॉर पहली बात ये है कि हम अपने आप से नाराज क्यों होते हैं थोड़ा सा मैंने इसको शुरू में डिस्कस किया था कि हम इसलिए नाराज हो सकते हैं कि जैसे मैं समझती हूं कि किसी जगह पर मेरी परफार्मेंस अच्छी होगी वहां जाके मैं अपनी तोको के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाती तो आई एम एन एंग्री I'm very angry on myself that why didn't I एंग्री ऑन a better आई परफॉर्म इन आई गेट confused एट दैट टाइम मुझे स्टेज पे कोई स्पीच करनी है वहां पे जाके मुझसे बोला नहीं जा रहा है एंड आई फेल्ट वेरी बिकॉज ऑडियंस स्टार्टेड लाफिंग तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कई दफा ये भी होता है कि आपको लगता है कि मैंने वाकई कोई बुरा काम किया है और शर्मिंदगी होती है तो अगर लोग अपने आप को माफ नहीं करते तो इसके भी बड़े नुकसान हैं और यह देखा गया है कि इवन इट हैज ग्रेटर हार्म देन इफ यू डू नॉट फॉर गिव एन अदर पर्सन यानी इसका ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप अपने आप को माफ ना करें बिकॉज द पर्सन विल बी गिल्टी विल बी अशेम्ड एंड वट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट यू विल हैव टू गिव कॉस्ट पे द कॉस्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसमें सफर करेंगे कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ uh, की कॉस्ट पे करेंगे इस तरह से कि जब आप अपने आप को माफ नहीं करते तो आपके जहन में एक बात रह जाती है आप अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं और ब्लेमिंग वन सेल्फ इज वन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो तो फिर आप अपने आप से ही नाराज होते हैं तो जो शख्स अपने आप से नाराज होता है वो दुनिया से कैसे खुश होगा तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को माफ कैसे करना है स्किजोफ्रेनिक पेशेंट्स में, साइकोटिक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि दे कुड हैव गिल्ट फीलिंग्स और उस गिल्ट की वजह से वो बहुत सारे एक्ट्स करते हैं जो नॉर्मल नहीं होते ऑब्सेसिव कंपल्सिव पीपल कुड हैव गिल्ट फीलिंग्स सो इट मीन्स दैट इफ यू डू नॉट फॉर गिव योर सेल्फ देन इट कुड साइकी, और आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंच सकता है तो देखते हैं एक स्लाइड कि कैसे हम अपने आप को माफ कर सकते हैं फॉर ऑफ सेल्फ इन केस ऑफ बोथ शेम एंड गिल्ट दो सिचुएशन हो सकती है शेम इज जनरल और गिल्ट इज सिचुएशन स्पेसिफिक आप किसी खास सिचुएशन जो है उसकी वजह से अपने आप से नाराज होते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने आप को माफ करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं मैं कह रही कि दूसरे शख्स को आप माफ ना करें क्योंकि फिर सोशल रिलेशनशिप्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को माफ़ करें लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इफ़ यू डू नॉट फॉर गिव देन इट कूड हैव ट्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसिस फॉर योर मेंटल हेल्थ और ये भी देखा गया है कि इफ यू आर हैविंग शेम बेस्ड फीलिंग तो उसका इलाज भी ज्यादा मुश्किल होता है गिल्ट की नस्बत क्योंकि वो एक जनरल किस्म की फीलिंग होती है अब दोबारा स्लाइड देखिए वट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्फेस आर अपोलोजाइज एंड दीज़ एक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर योर पीस एंड कॉन्टेंटमेंट तो दो तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं या तो आपको ये लगता है कि जिस शख्स का आपने नुकसान किया है उससे माफी मांग ले पहले भी इसकी बात हुई थी और उसका ताल्लुक होगा जब आपने किसी दूसरे शख्स का नुकसान किया है ठीक है अब जब आपकी अपनी जात है तो अपने आप से भी कह लें कि भाई ओके आई एम सॉरी आई डिड दैट मैं आइंदा ये नहीं करूंगा अपने आप से अपोलोजेटिक हो जाए दूसरी बात यह है कि आप कॉन्फेस कर लें ये चर्च में अगर आपको कभी जाने का इतफाक हुआ हो तो वहां पे एक प्लेस बनी होती है कन्फेशन प्लेस और वहां पे कई दफा पादरी भी मौजूद होता है या पादरी नहीं भी हो तो आप वहां जाके कहते हैं कि जी मैं अपने गुनाह का एतराफ करता हूँ नो बड इज लिस्निंग देयर बट बिलीव यू होता है कि खुदा सुन रहा है और हम तो ये नहीं कहते कि भाई आप मस्जिद में जाके करें हम तो ये कहते हैं कि आप कहीं भी खुदा से माफी मांग लें तो आप कन्फेस कर लें कि आई डिड दिस रॉन्ग एक्ट एम रियलीन दैट एंड आई वॉन्ट फॉर फॉर दैट फ्रॉम अल्लाह फ्राम दैट पर्सन जिसको मैंने हर्ट किया जिसकी वजह से मुझे अब गिल्ट और शेम की फीलिंग जो है वो पैदा हो रही है तो आप कन्फेस कर लें ऐतराफ़ कर लें और माफी मांग लें और इस्लाम में तो यही है कि आप अल्लाह तला से माफी मांग लें अपने गुनाह की क्योंकि अब जात आपकी अपनी है दूसरे शख्स से माफी तो तब मांगेंगे ना क्योंकि रिक्वायरमेंट इस्लाम में यही है कि जब कोई दूसरा शख्स जिसका नुकसान किया होता है माफी वो देगा तो माफी मिलेगी अब आपकी अपनी जात है, अब अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है माफ करने वाला है उससे माफी मांग लें आपका जहन हल्का हो जाएगा और आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो जैसे मैंने कहा था बहुत सारे हो सकते हैं वो भी नहीं होंगे और क्या हो सकता है टू लेस एन काउंटर प्रोडक्टिव क्रिटिसिजम ऑफ द सेल्फ एंड लेट गो दिस इज अनदर टेक्निक

आई हैव आस्ट फॉर गिवनेस आई मैं आइंदा से कोशिश करूंगा कि ये ना करूं और इंसान अगर कोशिश ही कर ले तो अल्लाह खुश हो जाता है ये आपको पता है अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं फॉर गिविंग अचुएशन बाद लोग एतराज करते हैं कि भाई आप सिचुएशन को फॉर नहीं कर सकते आप अर्थ क्वेक को कैसे माफ करेंगे उसने घर तबाह कर दिया आपका अजीजो वब मारे गए आप हरी कैन को कैसे फॉरगिव करेंगे? उसके बाद तो आपकी जिंदगी जो थी वो कुछ और ही लाहे अमल पर चलने लग पड़ी तो में स्नाइडर एंड कॉलीग्स मेंटेन दैट यू कैन स्टिल सिचुएशन क्योंकि वो एक मिसाल देते हैं कि वन पर्सन वॉज अफेक्टेड बाई इट और उसका घर तबाह हुआ लेकिन फिर उसकी थेरेपी ऐसे की गई कि दिस ओनली डिडेंट मी It happened with other people also, and they have started a new life with a new dimension. So, life? So, basically, that is related with blaming events and situation as the cause of problems. And what is the ki situation you understand the which will help in stop thoughts about earlier events to move forward. पिछले वाक्यात को भूल के यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड आज के लेक्चर का इख्ताम होता है वॉट वी हैज बीन एक्सप्लेन बाई डिफरेंट वेज बाई डिफरेंट रिसर्चे दे है लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी डो नॉट थिंक टू बी रिवेंजफुल टू वर्ड दैट पर्सन And we try to be positive to that person or yehi essence hai forgiveness ka. And also I mentioned that it has a high premium in all cultures and religions and particularly in Islam. Then we also discussed different mayors through that we would know whether a person is forgiving type or not. And then finally we discussed how we can cultivate forgiveness and forgiveness would have three dimensions again how we can inculcate forgiving attitude in people regarding forgiving oneself another person and situations lecture allah